जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। हालांकि बहुत टाइम बाद ये भैया वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के यूट्यूब चैनल नेशनल कोबरा कैडेट वाले पे। तो अभी भैया फिलहाल ये आया कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम का रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का दो के लिए फिर से आपका आ चुका है वैकेंसी। अभी पहले आया था तो पूरा रिजल्ट विजल्ट पूरा सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है, सिर्फ मेडिकल और ज्वाइनिंग इतना ही बाकी है। फिर से आपका बीएसएफ ने अपने फायर मोड में आते हुए आपको वैकेंसी फिल करके दे दिया है। अब इसमें क्या है कि नई वैकेंसी थोड़ा कम आई है। इसमें क्या था कि जो पिछली बार की जो बीएसएफ की वैकेंसी थी आरओ आरएम की बच चुकी थी, खाली सीटर थी, तो उसको इसमें आपको ऐड कर दिया गया है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको यह वीडियो पूरा देख लीजिए। मैं थंबनेल में भी इसीलिए डाल दिया हूं कि पहले इस वीडियो को देख लीजिए फिर आप भैया फॉर्म को भरिएगा। क्यों? क्योंकि जो पिछला वाला वैकेंसी का फॉर्म फिल हुआ है ना, उसका मेरिट जो बना है उसके लिए पंगा हो चुका था। ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ये सब जो भी एससी एसटी कैटेगरी है ना, ओबीसी वालों की तो पूरा वॉट लग चुका है। अब क्या हुआ, ओबीसी का कट ऑफ इतना ज्यादा चला गया है, दो चार नंबर नहीं कई नंबर, 103 शायद अनरिजर्व का था और 118 ओबीसी का था या आरएम का शायद था। तो मैं आपको स्क्रीन पे या तो फिर जब मैं फॉर्म फिल वाला वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें पूरे अच्छे तरीके से बता दूंगा कि उसमें कितना कितना कट ऑफ हाई गया लो गया, तो एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरा जो मेन मकसद है, मेरा जो मेन टॉपिक है कवर करने का कि अगर आप बीएसएफ आरओ आरएम का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, हाँ बहुत लोगों के रिजेक्ट हो गया तो हमारे पास टेलीग्राम पे आया था कि भैया हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब हम क्या करें। मैं कहा रिजेक्ट हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, नथिंग, एक शब्द में यही जवाब था और कुछ हुआ भी नहीं आखिरी तक। आपको फॉर्म भरते समय क्या ध्यान देना होगा, किन किन लोगों का रिजेक्ट हुआ है पहले बता दे रहा हूँ। अभी टॉपिक से तो हट रहा हूँ, फिलहाल थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो मार्कशीट सर्टिफिकेट आप अपलोड किए हैं, यह सब डिफरेंट है, नाम में गलती है, तो इन सब के वजह से आपका रिजेक्ट हुआ था। सिंपल में ऐसे बता दे रहा हूँ, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल कर रहे हो तो रिजेक्ट हुआ था। यही सब बेसिक से चीज है। फिलहाल अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या ध्यान देना है जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो आप जैसे कि मान लीजिए है ओबीसी कैटेगरी से, क्योंकि ओबीसी लोगों की लगी पड़ी है तो उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, प्रोफाइल है ना डैशबोर्ड बीएसएफ का, वहां से जाइए, उसको आप अनरिजर्व कर दीजिए, ठीक है, अनरिजर्व कर दीजिए। नहीं तो जब आप एडवर्टाइजमेंट खोलेंगे तो मैं आपको फॉर्म फिलिंग वाला बता दूंगा, वहां पे आप जाइएगा, आप जो प्रोसीड करेंगे तो जो आप सेक्शन आएगा आपका कैटेगरी का उसमें आप अनरिजर्व सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका जो फाइनल में आप जब जाएंगे वहां पे पेमेंट करने के लिए, तो वहां पे आपका जब फॉर्म पूरा ओपन होकर के आएगा तो आप वहां पे फिर से फिल कर दीजिएगा, वहां पे देख लीजिएगा कि अनरिजर्व्ड है कि नहीं। अब अनरिजर्व्ड में ही आप फिल करिएगा और बोथ में फिल करिएगा, आरओ और आरएम को दोनों को लेकर के चलिएगा। प्रेफरेंस एक बार चेक कर लीजिएगा कि प्रेफरेंस आपका कौन सा होना चाहिए। पहले आप आरएम को रखिएगा फिर आरओ को रखिएगा। अगर आप आरओ में एलिजिबल हैं सही से, मतलब कि आरओ में क्या है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का एलिजिबिलिटी पे ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। जो रेडियो ऑपरेटर का है उसमें 50 उसमें डिक्टेशन आपका होना चाहिए जिसमें कि 50 मार्क्स मिलेगा, 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 2 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 200 मार्क्स हो गया, और फिर 50 मार्क्स और मिलेगा आरएम वाले लोगों के लिए, सॉरी आरओ के लिए, जिसमें जो कि आपका 250 मार्क्स का हो जाएगा। और आरएम के लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए आपका क्या है कि 200 मार्क्स का ही सिर्फ रहेगा। तो अगर आप डिक्टेशन अगर जानते हैं तो आपको आरओ को पहला प्रेफरेंस रखिएगा, आरएम को सेकंड। अगर आप नहीं जानते तो आरएम को पहला प्रेफरेंस में रखिएगा, आरओ को उसमें सेकंड में रखिएगा और अप्लाई करिएगा बोथ में, क्योंकि आपका यह जो डेट है, अभी डेट भी निकल के आ गई है, 4 जून को शायद है, मैं आपको बता दूंगा, लिख करके दे दूंगा कब है आपका। 4 जून को सुबह 10 बजे से उन लोगों को जाएगा आरओ वालों का, और शाम को शायद आरएम वालों को, इस तरह हो जाएगी। जब आप उतना दूर जाएंगे सेंटर पे पेपर देने के लिए, आप दोनों देकर के आ जाइएगा। तो यही है, सिंपल सा चीज है। और ओबीसी वाले भैया अनरिजर्व कैटेगरी में करके भरिएगा, नहीं तो आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या है कि ईडब्ल्यूएस में 0 सीट है तो उसके आप अप्लाई नहीं कर सकते, और जो 25% डिपार्टमेंटल वाले लोगों के लिए वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही आपका बीएसएफ का नोटिफिकेशन जो था उसका मेन जो हाईलाइट था कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो यही है। और सिलेबस आपका फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है। और जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो फिर आप नहीं जो ज्वाइन कर पा रहे हैं लिंक से, तो नेशनल कोबरा कैडेट्स पे आप लिंक टाइप करके वहां से ज्वाइन
कर लीजिए, नहीं तो फिर ईमेल पे ईमेल आईडी है nationalcobracadets@gmail.com। फिलहाल और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, फिलहाल टाइम का अभाव बहुत ज्यादा होने की वजह से वीडियो बहुत डिले हो जा रही है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही रखना चाहता हूँ, मिलता हूँ इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद।